हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं गोल्डन एयर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज है 16 मई और जानेंगे रिलेटेड कुछ लेटेस्ट करंट अफेयर्स, साथ ही यहां पे हर क्वेश्चन से रिलेटेड काफ़ी एक्स्ट्रा फैक्ट्स मैं आपको शेयर करता हूं डेली, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखेगा। आफ्टर देन आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड वन मोर थिंग दोस्तों, अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो जो बेल आइकन दिख रहा है सब्सक्राइब के साइड में, इसे ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। इसी के द्वारा आपको जो लेटेस्ट वीडियो होती है हमारी, उसका नोटिफिकेशन पहुंच पाता है। तो यहाँ पे बात करते हैं, सबसे पहले जो कल की क्विज मैंने आपको शेयर की थी, उसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा इंडिया। एक बार क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूँ, कल की क्विज का क्वेश्चन है कि दक्षिणी एशियाई जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2018 जो कि रिसेंटली कोलंबो में संपन्न हुई है, उसमें जो पदक तालिका है उसमें शीर्ष स्थान किसे मिला है, तो वो मिला है इंडिया को। इसके बारे में काफ़ी चीज़ें जो डिस्कस कर ली थी हमने प्रीवियस वीडियो में, लेकिन एक बार फिर से मैं इन शॉर्ट बता देता हूं आपको कि इसमें जो इंडिया ने पदक जीते हैं, टोटल जो जीते हैं दोस्तों 50 मेडल इसने इंडिया ने जीते हैं। अगर बात करते हैं इसमें कैटेगरीज वाइज, तो टोटल 20 स्वर्ण पदक इसमें जीते हैं और 22 सिल्वर मेडल यानी रजत पदक जीते हैं और 8 ब्रॉन्ज मेडल इसमें जीते गए हैं इंडिया के द्वारा। तो टोटल मिला के ऐसे 50 मेडल इंडिया ने जीते हैं और टॉप पोजिशन इसमें हासिल की थी। सेकेंड पोजिशन पर था इसमें जो था दोस्तों श्रीलंका। श्रीलंका ने टोटल इसमें 41 मेडल जीते थे और सेकेंड पोजिशन इसमें हासिल की थी। और थर्ड पर था इसमें पाकिस्तान। तो ऐसे यहाँ पर ये कुछ ऊपर की टॉप लिस्ट मैंने आपको शेयर की है। तो नेक्स्ट यहाँ पे हम बात कर लेते हैं आज की करंट अफेयर, साथ ही जो आज की क्विज होगी आपकी वो वीडियो के लास्ट में मिलेगी आपको, तो उसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आज का कि किसके द्वारा हैदराबाद में कौशल विकास केंद्र स्थापित किया जा रहा है। तो ये किया जा रहा है दोस्तों UNDP के द्वारा। यहाँ पे देखिए UNDP एक्चुअली है क्या, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में। इसका फुल फॉर्म की अगर बात करते हैं तो इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। और इसका जो उद्देश्य है, UNDP का कार्य क्या क्या करता है, ये तो दोस्तों अगर बताना चाहेंगे आपको कि लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए ये क्या करता है, विभिन्न देशों को जो है संसाधन उपलब्ध करवाता है, ये विभिन्न देशों को जो है संसाधन उपलब्ध करवाता है लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए, UNDP का यही कार्य है। थोड़ा सा यहाँ के अगर बात करते हैं UNDP के, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी जो स्थापना की गई थी दोस्तों, ये की गई थी 1966 में UNDP की स्थापना हुई थी, ठीक है। और इसका जो हेड है अभी प्रेजेंट में, जो इसके अध्यक्ष है, मुख्य है, प्रमुख है, वो है अजीम स्टेनर इसके अभी प्रेजेंट में हेड है। अगर बात करते हैं देखिए यहाँ पे, साथ ही यहाँ पे हैदराबाद की बात हो रही है, तो देखिए हैदराबाद अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो अभी यहाँ पे जो CM है दोस्तों वो है इसके चंद्रशेखर राव यहाँ पे, ठीक है, तेलंगाना में। और अगर बात करते हैं यहाँ पे देखिए, इसके साथ ही यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यूनेस्को और यूनिसेफ, ठीक है। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, इससे रिलेटेड ही है। तो देखिए यूनेस्को की अगर हम बात करते हैं, तो यूनेस्को की जो स्थापना हुई थी दोस्तों 1945 में हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है पेरिस में, जो कि फ्रांस में है। अगर बात करते हैं देखिए यूनिसेफ की जो यहाँ पे फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन फंड है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क, जो कि US में है, और इसकी स्थापना हुई है 1946 में। तो ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें थी इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी कि किसे हाल ही में केंद्र सरकार ने अस्थायी वित्त मंत्री नियुक्त किया है। तो रिसेंटली जो वित्त मंत्री के पद पे थे अरुण जेटली, उनकी जगह अस्थायी जो वित्त मंत्री नियुक्त किए गए हैं दोस्तों, वो किए गए हैं पीयूष गोयल को। पीयूष गोयल को ये चुना गया है इस पद पे, और इसका कारण देखिए क्या है कि जो हमारे अरुण जेटली जी है, उनकी अभी रिसेंटली जो तबीयत है वो काफ़ी ख़राब होने की वजह से उनका कार्यकाल जो है इन्हें सौंपा गया है कुछ टाइम के लिए। तो पीयूष गोयल यहाँ पर अस्थायी कार्यकाल जो है संभालेंगे इसका। देखिए अगर बात करते हैं, पीयूष गोयल अभी प्रेजेंट में रेल मंत्री हैं। और अगर बात करते हैं यहाँ पे देखिए, जो अभी मंत्रिमंडल है ये केंद्र सरकार का, उसमें काफ़ी बदलाव भी किए गए हैं मोदी जी के द्वारा। और जो यहाँ पे देखिए स्मृति ईरानी है, उनको यहाँ पे पहले सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का जो है अधिकार दिया गया था, वो अब यहाँ इससे जो है छीन लिया गया है। तो अभी स्मृति ईरानी ओनली कपड़ा मंत्री हैं। और अगर बात करते हैं, स्मृति ईरानी जो सूचना और प्रसारण मंत्री बनी थी पहले, मतलब थी, उनकी जगह अब रिप्लेस किया गया है, जो यहाँ पे जयवर्धन सिंह है उनको यहाँ पे बनाया गया है
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अध्यक्ष, ठीक है, मुख्य। तो यहाँ पे अब नए जो यहाँ पे सूचना और प्रसारण मंत्रालय के जो मुख्य होंगे वो होंगे जयवर्धन सिंह। और अगर बात करते हैं तो ये खेल मंत्री है जयवर्धन सिंह अभी प्रेजेंट में। तो ये कुछ यहाँ पे बदलाव इसमें हुए हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, हाल ही में किसके द्वारा रिप्लेस योजना की शुरुआत की गई है। तो रिप्लेस योजना की जो शुरुआत की गई है रिसेंटली वो की गई है दोस्तों, ये की गई है रिप्लेस योजना की WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन W हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसकी जो है शुरुआत की गई है। अगर बात करते हैं देखिए यहाँ पे, तो इसका जो लक्ष्य है वो है कि 2023 तक जो जितने भी खाद्य पदार्थ है उनमें ट्रांस जो वसा होती है ट्रांस वसा, उसको जो है क्या करना, ख़त्म करना ही इसका उद्देश्य है। अगर बात करते हैं WHO की तो जो इसका दोस्तों स्थापना हुई थी 1948 में इसकी स्थापना हुई थी WHO की, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जेनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में है। जेनेवा में इसका WHO का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, किस विभाग ने आने वाले समय में भारत में 30 नए डॉपलर रडार सिस्टम स्थापित करने की घोषणा की है। तो ये की है भारतीय मौसम विभाग ने, जो भारतीय मौसम विभाग है जिसको बोलते हैं इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इन शॉर्ट इसको बोलते हैं IMD। इसके द्वारा कहा गया कि आगामी समय में जो है 30 नए डॉपलर रडार सिस्टम यहाँ पे जगह जगह पे भारत में स्थापित किए जाएंगे। डॉपलर रडार सिस्टम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो एक्चुअली होता क्या है आपको बताना चाहूँगा। जो ये एक रडार ट्रैकिंग सिस्टम होता है और इसमें जो है ट्रैकिंग की जाती है जितने भी, मतलब कि अपकमिंग ऐसे अगर कोई आपदा आती है, प्राकृतिक आपदा है, जैसे कि कोई भूकंप से रिलेटेड या फिर तूफान आंधी या फिर तेज़ वर्षा, तो उनकी सूचना जो है इसके द्वारा जल्दी, मतलब कि पहले ही मिल जाती है। तो यही डॉपलर रडार का कार्य होता है, ठीक है। तो अगर बात करते हैं देखिए इसका यहाँ पे भारतीय मौसम विभाग की, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में, और इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों IMD की वो हुई थी 1875 में भारतीय मौसम विभाग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सीधी बस सेवा शुरू की है। तो ये की है दोस्तों नेपाल के साथ। नेपाल भारत के बीच में सीधी बस सेवा पर जो है ये यहाँ पे समझौता हुआ है, और ये जो बस सेवा होगी वो जो है जनकपुर जो नेपाल है वहाँ से और अयोध्या के बीच में ये बस सेवा चलने वाली है। और ये जो समझौता हुआ था वो है नेपाल के जो PM है KP ओली, खड़गे प्रसाद ओली, उनके बीच और हमारे जो नरेंद्र मोदी जी उनके बीच ये समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, बिम्स्टेक का 5वां सम्मेलन 2018 कहाँ पे आयोजित किया जाएगा। तो बिम्स्टेक का 5th सम्मेलन जो होने वाला है वो होने वाला है दोस्तों नेपाल में ये होने वाला है। अगर डेट की बात करते हैं तो 23 मई को ये होने वाला है, 23 मई 2018 को ये शुरू होगा। अगर बात करते हैं तो नेपाल का जो राजधानी है वो है काठमांडू, और काठमांडू में ही ये सम्पन्न होने वाला है। और इसका उद्देश्य दोस्तों जो है अब की बार वो है जितने भी दवाएं हैं, केमिकल्स हैं, उनकी जो तस्करी वगैरह है उन पर रोक लगाना ही इस बार का इसका उद्देश्य है। बिम्स्टेक की यहाँ पे बात हो रही, तो थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। बिम्स्टेक की जो स्थापना हुई है वो हुई है 1997 में बिम्स्टेक की स्थापना हुई थी दोस्तों। अगर इसके मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है ढाका, यानी कि बांग्लादेश, जो ढाका है बांग्लादेश में वहीं पे इसका हेडक्वार्टर है। और इसका जो पिछला सम्मेलन हुआ था वो भी नेपाल में ही हुआ था दोस्तों, जो 4th सम्मेलन हुआ था इसका वो भी नेपाल में हुआ था, और जो 5वां हो रहा है वो भी नेपाल में ही हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, भारत ने किस देश के साथ भूमि सीमा पार करने की अनुमति देने संबंधित एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये किए हैं दोस्तों म्यांमार के साथ। यहाँ पे भारत और म्यांमार के बीच एक समझौता हुआ है भूमि सीमा जो है उसको पार करने से संबंधित। और यहाँ पे समझौते के रिलेटेड क्या हुआ है कि दोनों देशों में से जो लोग हैं वहाँ के आदान प्रदान, मतलब कि सीमा से आर पार इधर एक दूसरे देश में प्रवेश कर सकते हैं, ये आने जाने की अनुमति यहाँ पे दी गई है इस समझौते के अनुसार अंदर। और ये जो इससे बेनिफिट ये होने वाला दोस्तों कि जो यहाँ पे स्वास्थ्य संबंधित सेवाएँ हैं या फिर शिक्षा से संबंधित सेवाएं वो एक दूसरे देश आपस में ले सकेंगे एक दूसरे देश की, तो यही इसका उद्देश्य था इस समझौते का। देखिए अगर यहाँ पे बात करते हैं तो अभी रिसेंटली यहाँ पे आपको पता होगा
की जो हमारे सुषमा स्वराज है विदेश मंत्री, उनकी जो नेपाल जो म्यांमार की यात्रा थी उनके दौरान इन्होंने 7 समझौते किए थे टोटल, ठीक है। यहाँ पे टोटल 7 समझौते हुए थे म्यांमार और भारत के बीच में, उनमें ये एक समझौता भी शामिल है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। टोटल 7 समझौते हुए थे म्यांमार और भारत के बीच में, जो सुषमा स्वराज थी विदेश मंत्री हमारी, उनके जो दौरा था अभी रिसेंटली उनके लिए, ठीक है। यहाँ पे बात हो रही है देखिए म्यांमार की, तो म्यांमार की मैं आपको अगर बात करता हूँ मुद्रा की, तो जो मुद्रा है यहाँ की वो है कयात, म्यांमारी कयात यहाँ की मुद्रा है, और इसका जो है ब्रह्मा के नाम से भी जाना जाता था, आप सभी को ये तो पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, किस देश ने कोलेरा के खिलाफ अपना पहला टीका अभियान शुरू कर दिया है? तो कोलेरा के खिलाफ जो है पहला टीका अभियान शुरू किया है वो किया है यमन ने। कोलेरा के बारे में शायद आप कोलेरा के नाम से इसको नहीं जानते होंगे, लेकिन कोलेरा की अगर बात करते हैं तो इसे बोलते हैं दोस्तों हेजा, हेजा इसे बोलते हैं, और इसके जो टीकाकरण की शुरुआत की है वो ये यमन ने की है। देखिए यहाँ पे ये इसलिए चर्चा में है, यहाँ पे अगर बात करते हैं एक सर्वे हुआ है और सबसे ज़्यादा जो हेजा से ग्रसित लोग हैं वो है दोस्तों यमन में, सबसे ज़्यादा जो हेजा से ग्रसित कंट्री है वो यमन में ही पाए जाते हैं इसके लोग, इसलिए यहाँ पे एक स्पेशल इसके लिए जो कदम उठाया गया है ये। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अनिता दास जिनका हाल ही में निधन हो गया है, जिनका संबंध किससे है? तो ये है दोस्तों एक्ट्रेस है, फिल्म अभिनेत्री है, और इनका रिसेंटली जो है अभी निधन हो गया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कि कहाँ पर क्षेत्रीय विकास के लिए शारीरिक और सामाजिक आधारभूत संरचना पर 2 दिवसीय सम्मेलन शुरू हुआ है? तो ये जो सम्मेलन शुरू हुआ है दोस्तों ये हुआ है गुवाहाटी, जो कि आसाम की सिटी है, यहाँ पे ये सम्मेलन शुरू हुआ है जिसका नाम है क्षेत्रीय विकास के लिए शारीरिक और सामाजिक आधारभूत संरचना से रिलेटेड ये सम्मेलन शुरू हुआ है। और अगर बात करते हैं यहाँ पे देखिए इसकी जो शुरुआत की है वहाँ के, जिसकी जो उद्घाटन किया है वो किया है जो वहाँ के राज्यपाल है जिनका नाम है जगदीश मुखी, आसाम के राज्यपाल दोस्तों जगदीश मुखी है, ये आपको ध्यान में रखना है। और जो CM है यहाँ के वो है सर्बानंदा सोनोवाल, सर्बानंदा सोनोवाल यहाँ के CM है। और इसके देखिए आयोजक जो हैं, जो इसकी आयोजक कर, मतलब कि जो इसकी आयोजित आयोजित किया है इसने इसको, इस सम्मेलन को वो किया है जो AIIB और RIS के सहयोग से, ये जो वित्त मंत्रालय है भारत का उसके द्वारा इसको आयोजित किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं, किसने जर्मनी में चल रही अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है? जर्मनी में अभी देखिए एक शूटिंग प्रतियोगिता चल रही है, जर्मनी का जो हमनोर सिटी जो है जर्मनी का, वहीं पे एक शूटिंग प्रतियोगिता चल रही है, और उसमें भारत की तरफ से जो गोल्ड मेडल जीता है वो जीता है दोस्तों हिना सिंधु ने गोल्ड मेडल जीता है। और ये जो मेडल जीता है वो जीता है 10 मीटर की जो राइफल एयर राइफल शूटिंग है उसके लिए ये जीता है इन्होंने। साथ ही इनके साथ एक और जो पर्सन है उन्होंने ये इसमें कांस्य पदक जीता है, और उनका नाम है पी श्रीनिवेशा ने भी इसके अंदर कांस्य पदक जीता है, ये सेमी प्रतियोगिता थी उनकी भी 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में, ठीक है। तो ये दोनों ने इसमें जो है मेडल जीता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, आज की जो क्विज है आपके लिए दोस्तों उसका आंसर आपको लिखना है राइट, जो है जो भी है आपको गलत है सही है आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। तो आज की क्विज है आपके लिए कि राष्ट्रमंडल खेल 2018 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, यानी कि कॉमनवेल्थ गेम 2018 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो आपके ऑप्शन है 65, 66, 67, 68। आपका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कल जो नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा उसके अंदर, ठीक है। तो अभी के इस वीडियो में इतना है दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा जो भी आप यूज़ करते हैं इंस्टा फेसबुक ट्विटर जो भी, और आगे की ऐसी ही अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर वीडियो पसंद आया तो, जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है इसे दबाकर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद।